जय हिंद दोस्तों। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टेस्ट में अभी सिर्फ 2 दिन ही बाकी हैं। इस दिग्गज खिलाड़ी ने किया संन्यास की घोषणा। तो दोस्तों बताएंगे आपको क्या है खबर। इससे पहले इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 9 फरवरी से पहला टेस्ट मैच नागपुर में खेला जाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एरन फिंच ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। फिंच ने 146 वनडे और 103 T20I मैच खेले हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार T20I वर्ल्ड कप एरन फिंच की कप्तानी में ही जीता था। एरन फिंच के नाम T20 का सबसे ज़्यादा रन 172 का वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी दर्ज है। फिंच ने कहा, अब मैं 2024 का T20I वर्ल्ड कप नहीं खेल पाऊंगा, ऐसे में संन्यास लेने का यही सही समय है। मैं अपने परिवार, पत्नी, टीम ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने पूरे करियर के दौरान मुझे सपोर्ट किया। फिंच ने अपने सभी फैंस को धन्यवाद कहा। दोस्तों फिंच के संन्यास लेने से ऑस्ट्रेलिया कमजोर हो जाएगी या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी कीमती राय अवश्य दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।